सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नंबर वन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयपाल। आपके लिए तो जियो फोन के बारे में लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जियो फोन के दोस्तों हॉटस्पॉट के बारे में। यानी दोस्तों हॉटस्पॉट दोस्तों एक बार डाल के कंपनी ने वापस क्यों रिमूव कर लिया गया और दोस्तों कब तक आने वाला है हॉटस्पॉट, और दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आने के बाद भी हॉटस्पॉट आपको इसके अंदर नहीं मिला है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले, इसको लास्ट तक ज़रूर देखना, और यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर, लाइक करो कि मेरे को पता चलता है दोस्तों वीडियो पसंद आए। दोस्तों सबसे पहले आपको डेटा कनेक्शन इसका ऑन करना है, सेटिंग के अंदर जाना है, इसकी सेटिंग से वो ओपन हो रही है। ओपन हो जाने के बाद आपको डिवाइस के अंदर जाके लाइव सॉफ्ट प्रेस पे प्रेस करना है। यहाँ पे क्या सिस्टम पहले से ही अपडेट है तो ओके। यानी दोस्तों अभी तक इसके अंदर न्यू सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, यानी ये मांग नहीं रहे मोबाइल, यानी मांगेगा तब दोस्तों यहाँ पे कंपनी डाल देती है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर डालना चाहिए। अब दोस्तों बता दें कि हॉटस्पॉट था वो दोस्तों जियो फोन से रिमूव क्यों किया गया था और कब आएगा, कब आया था। 2 जनवरी को मिला गया था और 6 जनवरी को रिमूव कर लिया गया था, और आपको यहाँ पर मिला था वो हॉटस्पॉट यानी कॉल सेटिंग्स और आपातकालीन अलर्ट दोनों के बीच में, उसका नाम था इंटरनेट शेयरिंग। यानी दोस्तों उस पर दबाते तो हॉटस्पॉट ऑन था, पर दोस्तों पासवर्ड देखना तो बहुत ही मुश्किल की बात थी, और पासवर्ड देखना बहुत मुश्किल था। पर दोस्तों सॉफ्टवेयर छोटा होने की वजह से इसको रिमूव कर लिया गया। यानी दोस्तों इसका सॉफ्टवेयर आपको बता दें, सॉफ्टवेयर इसका बहुत छोटा है, यानी अब 10 मॉडल है इसका और 2.5 का वर्जन है, यानी 2.5 का संस्करण होने की वजह से दोस्तों सॉफ्टवेयर के अंदर काम नहीं करता था हॉटस्पॉट। यानी दोस्तों कनेक्ट तो कर लेते थे, पर दोस्तों को पासवर्ड देखना और दोस्तों ऑफ करना तो बहुत ही दूर की बात थी, इसलिए दोस्तों हॉटस्पॉट का रिमूव कर लिया गया था। और दोस्तों वो हॉटस्पॉट था वो गलती से डल गया था इसके अंदर दोस्तों, इसलिए हमारे को दोस्तों कई बार दोस्तों आपको अपने वीदियो भी देखा होगा, वीडियो के अंदर आपको हॉटस्पॉट दिखाया भी होगा ऑन करके ऑफ करके, और मैंने भी आपके लिए वीडियो बनाया था कनेक्ट करके डिसकनेक्ट करके सब कुछ इसके अंदर बताया था हॉटस्पॉट को ऑन करना ऑफ करना। अब दोस्तों आपको बता दें कि अगला नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के अंदर तो नहीं आएगा, उससे अगले वाला आएगा नवंबर के अंदर, यानी नवंबर के अंदर इसका संस्करण है वो उसका बढ़ने वाला है। यानी दोस्तों लगभग दोस्तों सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर से दोस्तों जियो फोन का सॉफ्टवेयर दोस्तों 2.5 दोस्तों 3 लाइव सॉफ्टवेयर ही बनेगा, यानी इसका 1.2 नहीं बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आने के बाद दोस्तों उससे अगले वाला सॉफ्टवेयर आएगा 3 लाइव सॉफ्टवेयर, यानी यहाँ पे 2.5 इसके जगह 3 लाइव सॉफ्टवेयर आएगा, उसके बाद दोस्तों आपको हॉटस्पॉट इसके अंदर मिलेगा। यानी तो सॉफ्टवेयर का थोड़ा संस्करण है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए दोस्तों हॉटस्पॉट इसके अंदर डाल दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। दोस्तों कंपनी की तरफ से दोस्तों कुछ अपडेट्स भी निकल कर आई है कि आपको हॉटस्पॉट है वो जल्दी अवेलेबल होगा और दोस्तों 3 लाइव सॉफ्टवेयर के अंदर ही अवेलेबल होगा। और दोस्तों ये पिछला सॉफ्टवेयर आया था इसके अंदर तो क्या दुख बदलाव, थोड़ा बहुत वाईफाई के अंदर आ गया, और जो थोड़ा बहुत 2 8 दबाते थे वहाँ पे प्रेस करते थे दोस्तों। मैंने उसके लिए वीडियो बनाए थे आपके लिए स्पेशल, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये अपडेट आपको मिले हैं, और फेसबुक को नीचे से ऊपर लाया गया था और जियो स्टोर को अपडेट कर दिया गया था, लगभग ये इतने अपडेट आए थे। और दोस्तों ऐप भी अपडेट था वो अपडेट नहीं था, वो तो दोस्तों मोबाइल को रीसेट करते हैं वो तब भी आ सकता है। तो उसमें हॉटस्पॉट आपको नहीं मिलता इसके अंदर, अब मैंने भी इसकी इस मॉडल के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, पर दोस्तों इसके अंदर हॉटस्पॉट है वो कहीं पे भी नहीं मिला, सेटिंग कितने भी खोल दोस्तों हॉटस्पॉट है वो आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो दोस्तों आप इसके अंदर रात दिन घूमो हॉटस्पॉट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बता दें कि इसको हॉटस्पॉट दोस्तों कंपनी बोलते हैं कि जियो फोन अंदर हॉटस्पॉट है वो डाला गया है, पर दोस्तों हम खोजते हैं तो हॉटस्पॉट नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों हॉटस्पॉट है इसके अंदर तो लॉक कर लॉक किया हुआ है, हॉटस्पॉट बना तो लिया गया सॉफ्टवेयर, पर दोस्तों इसके अंदर जैसे लॉक कर दिया गया है तो हमारे को परेशान, यानी हॉटस्पॉट दोस्तों हम ऑन करते तब दोस्तों मोबाइल हैंग होता था दोस्तों, तो हॉटस्पॉट कंपनी ने लॉक कर दिया कि यूजर से इससे परेशान नहीं हो मोबाइल हैंग नहीं हो। दोस्तों कंपनी ने इसको एक बार इसको लॉक किया है दोस्तों, और 3 लाइव सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, यानी इसका संस्करण बढ़ेगा यहाँ पे डिवाइस की जानकारी तो आपको ये मिल जाएगा हॉटस्पॉट जियो फोन के अंदर 3 लाइव सॉफ्टवेयर होने के बाद। दोस्तों मैंने आपको बताया दोस्तों जियो फोन के दोस्तों हॉटस्पॉट है वो 3 लाइव सॉफ्टवेयर मिलेगा, और दोस्तों ये अपडेट नवंबर के अंदर मिलेगा, यानी नवंबर के एंड में लगभग वहाँ पर मिलेगा यह सॉफ्टवेयर 3 का, उस तब दोस्तों आपको मिलेगा जियो फोन हॉटस्पॉट, और उसमें मिलेगा वहीं पे जो आपको पहले मिला था। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों एक थोड़ी थोड़ी सी बदलाव हो रहा है कि यहाँ पे दोस्तों वाईफाई दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक को हटा के दोस्तों यहाँ पे
फोर्थ पर डाला जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ इन 9 में से दोस्तों कुछ ना कुछ एक को हटा के यहाँ पे हॉटस्पॉट डाला गया, क्योंकि दोस्तों वैसे हॉटस्पॉट डालने से दोस्तों ऑन या ऑफ एंड्रॉइड के अंदर करते हैं दोस्तों इस तरह कर सकते हैं। कंपनी ने बताया कि पहले जब आप ऑन करते थे तो ऊपर ही नोटिफिकेशन आता सीधा कि यहाँ पे हॉटस्पॉट कनेक्ट हो गया, ऑफ हो गया, कनेक्ट हो गया, ऑफ हो गया, यहाँ पे कुछ भी आइकन नहीं आता, यानी यहाँ पे आइकन दोस्तों दिखाई दे रहे हैं आपको, ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट और ये 2-3 और है। यहाँ पे दोस्तों हॉटस्पॉट डाला जाएगा और दोस्तों यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो बताया था, वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, वीडियो स्क्रू करना, शेयर अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जियो फोन के अंदर जब भी कोई न्यू अपडेट मिलती है मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आता हूँ। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो लाइक करना, जरूर लाइक करोगे मेरे को पता चलता है दोस्तों वीडियो जो पसंद आया है। दोस्तों वीडियो लाइक करना, वीडियो करना शेयर और दोस्तों नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना कि आपको एक बार हॉटस्पॉट मिला है या नहीं मिला है। दोस्तों बताओ दोस्तों पता चलता है कि इतने मॉडल्स के अंदर लगभग हॉटस्पॉट मिल गया था और उसके बाद इसको रिमूव कर लिया गया था। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मत डालना कि हॉटस्पॉट कब तक आने वाला है, इस तरह कुछ भी दोस्तों डाल सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।